हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे सीके फूड चैनल पर। आज हमने बनाया है सांभर। जी हाँ, डोसे वाला सांभर। इसे आप डोसे के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भी हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अरहर की दाल ली है, ये एक कटोरी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले धो लिया था और पानी में भिगो के रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ ली है, जैसे कि थोड़ी सी घिया, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी टमाटर और थोड़ा सा कद्दू। और यहाँ पर मैंने एक बैंगन भी लिया है जिसको मैं बाद में कट करूँगी। तो देखिए, दाल को सबसे पहले हम उबालने के लिए रख देते हैं। कुकर में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अगर आपको पानी का हिसाब नहीं पता है तो जितनी आपने दाल ली है उससे दो गुना पानी डाल दें और दाल को उबालने के लिए रख दें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर एक से डेढ़ कटोरी मैंने दाल के ली थी, जिसके अंदर मैंने तीन कटोरी पानी की डाल दिया है। और इसके अंदर डाल देंगे हम सिर्फ नमक और हल्दी। स्वाद के अनुसार आप नमक का यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी डालें, सिर्फ आधा चम्मच। और दाल उबालते समय हमने सिर्फ इसके अंदर नमक और हल्दी का यूज़ करना है। और उसको दो सीटी आने तक रख देते हैं। जब तक सीटी आती है तब तक हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई देखिए हमारी गर्म हो गई है। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल, जिसे हम तड़का लगाना है। आप चाहे तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही तड़का लगाएं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी राई। राई देखिए चटकनी शुरू हो गई है। हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप इसको कच्चा रखोगे तो राई का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही हमारा जो सांभर है वो खट्टा बनेगा। तो फ्रेंड्स राई भून हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखनी है, जीरे की भी और मेथी दाने की भी। इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से ब्लैक कलर करना है। अगर इसको कच्चा रखोगे तो तड़के का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जीरे के साथ साथ आप इसके अंदर डाल देंगे हम सूखी हुई लाल मिर्चें। आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का यूज़ करें, हरी मिर्च का यूज़ ना करें। तो देखिए सूखी लाल मिर्चें वो भुन हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ते के पत्ते फ्रेश हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पर यहाँ पर सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं तो वो भी मैंने इसके अंदर फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद अब डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हरी मिर्च और हींग को भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे हम बारीक एक प्याज चॉप करा हुआ। चॉप को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, हल्का सा सोटे करना है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ एक से दो मिनट तक ही हम प्याज को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छी तरह से भून लें प्याज और बार बार आप इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से बराबर मात्रा में सीखे, एक तरफ से कच्चा या पक्का ना रहे। तो फ्रेंड्स देखिए प्याज भी अच्छी तरह से भुन हो गए हैं, दो से तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। एक टमाटर का यूज़ करेंगे जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि जो टमाटर कच्चापन है वो निकल जाए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सारी सब्जियाँ, जैसे कि सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर गाजर, घिया, जो भी सब्जी आपको पसंद लगती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आपके बच्चे नहीं खाते हैं और आपको खिलाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। घिया के बाद मैंने डाल दिया अंदर कद्दू। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो सूखे मसाले हैं वो सब्जी अंदर से मिक्स हो जाएँ। और अब मैं लास्ट में डाल दूँ इसके अंदर बैंगन, क्योंकि मैंने लास्ट में काटा था। अगर आप इसको पहले कट करोगे तो ये तो काला पड़ जाएगा। तो सारी सब्जियों को सूखे मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सारे मसाले हैं सूखे सब्जी के ऊपर लग गए हैं, यानी कि चिपक भी गए हैं। और अब डाल देंगे इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च और नमक। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक और मिर्च मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं, एक बार आप दोबारा से इसको मिक्स कर लें ताकि जब आप पानी डालोगे तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब नमक और मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी आपने उतना डालना है जितना कि आपकी सारी सब्जियां अच्छी तरह से डिप हो जाएं, अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं और अच्छी तरह से पक भी जाएं।
वो तो फ्रेंड्स देखिए उधर मैंने सब्जी को ढक के रख दिया है पानी डालकर, और हमारी जो कुकर की सीटी थी वो भी आ गई है। हमारी तो दाल है वो पक चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट पकी है। हमारी दाल बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी दाल खड़ी खड़ी है तो आप इसको मैशर से मैश कर लें, और देखिए इसी तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। इस तरह से दाल बिल्कुल बनी हुई है, ना ज़्यादा गली हुई है ना ज़्यादा कच्ची है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब हम देख लेते हैं एक बार हमारी सब्जियाँ। देखिए इसको मैंने ढक दिया था और हमारी जो सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल पक कर तैयार हैं। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हाफ ही बॉयल करना है। तो फ्रेंड्स ये भी तैयार है हमारी सब्जियाँ भी, और उधर जो हमारी दाल है वो भी तैयार है। हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे की सब्जी कोई ना बैठे ही रहे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छी तरह से निकल के आए। आप इसको चाहे तो हल्का हल्का करछी की सहायता से मैश भी कर सकते हैं, इस तरह से हिला भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको गैस से उतार लेंगे, और कुकर दाल वाली कुकर है उसके अंदर ये सारी सब्जियाँ हैं, आराम से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारी जो सब्जियाँ हैं मैंने कुकर के अंदर डाल दी है, पर आप थोड़ा सा केयरफुल करके डालें क्योंकि सब्जियाँ हैं वो गर्म है, और इसको अच्छे से मैश कर लें। अगर आपकी सब्जी अच्छे से नहीं पकी है तो आप इसको सीटी लगा कर दो सीटी लगा सकते हैं ताकि सब्जियाँ दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, या फिर आप सीटी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको मैशर के साथ मैश कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपके जो सांभर है वो ज़्यादा जल्दी बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए तो सी स्टीम आ रही है, आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा, और देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ ताकि हमारे जो बच्चों को सब्जियाँ हैं वो उनको पता ना लगे भी कौन सी सब्जी डाली है, और वो आसानी से खा सकें। और देखिए सांभर बनकर रेडी है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे हम इमली की प्यूरी, यानी कि इमली का रस, क्योंकि सांभर होता है वो खट्टा मीठा ही टेस्टी लगता है। इमली हमने मिक्स कर दी है इसके अंदर, और अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी। चीनी का क्वांटिटी आप देख कर ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना है उतना आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है ताकि सांभर खट्टा मीठा और टेस्टी बने, और ये जो बॉयल होना भी स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं सांभर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको ज़्यादा मैश बिल्कुल नहीं करा ताकि जो सभी अच्छी तरह सब्जी खा सकें, टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो सांभर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, देखने में कितना यम्मी लग रहा है, जो सारी सब्जियों के साथ बना है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होनी। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो गाइस